बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राइज़ एंड शाइन स्कूल ऑनलाइन क्लास। क्लास 7 में आपकी उर्दू की टीचर हिना बीबी हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम सबक पढ़ रहे हैं हमदर्दी, और हमदर्दी हमने आधा सबक अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम इंशाल्लाह उसे मुकम्मल करेंगे। तो हम आज का सबक स्टार्ट करते हैं। हासिलात-ए-तालुम का मतलब ये होता है बेटा कि जब हम ये सबक पढ़ लेंगे तो ये सबक पढ़ने के बाद हमें क्या चीज़ हासिल होगी, यानी हमें हमने जज्बे हमदर्दी पर मुश्तमिल कहानी पढ़ेंगे। इस सबक में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आधे सबक में हम नादरा की कहानी पढ़ चुके हैं, नादरा और उसकी टीचर की कहानी है। और फिर हम क्या सीखेंगे इससे कि मुश्किल वक्त में लोगों की मदद किस तरह से की जाती है, ये जान सकेंगे हम, ठीक है। अच्छा, आगे जाने से पहले सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका हम खुलासा तब पढ़ लेते हैं। और वो खुलासा क्या है कि नादरा चूँकि गैर हाजिर हो गई, एब्सेंट हो गई क्लास में, और फिर उसकी टीचर ने जब हाजिरी लेते हुए देखा कि वो एब्सेंट है तो उन्हें बड़ी हैरत हुई कि नादरा तो एब्सेंट होती ही नहीं थी। उन्होंने जब बच्चों से पूछा तो जो क्लास में अतिया थी उसने खड़े होकर जवाब दिया कि उसकी नानी की तबीयत ख़राब है। तो फिर सानी साहिबा ने क्या कहा, यानी आपा सिद्दीका जो थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर उन्होंने अपनी क्लास फेलो जो उनकी क्लास की बच्चियां थी उन्हें भी उन्होंने कहा कि आप सबको भी नादरा की मदद करनी चाहिए, मैं नादरा के घर जाऊंगी। अच्छा जी, जमात की सब लड़कियों ने कहा कि हम सब भी उसकी मदद के लिए उसके घर जाएंगे। सब लोग मिलके उसके घर गए और देखा कि नादरा की नानी बहुत ज़्यादा, उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा है उसे उन्हें, और वो ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही है। तो उन्होंने उनसे उस नादरा से उसकी नानी की तबीयत पूछी तो नादरा ने कहा कि बेहोशी की सी कैफियत है, यानी बहुत तेज़ बुखार है इन्हें। तो जो आपा सिद्दीका थी वो डॉक्टर को ले आई और डॉक्टर ने उनका मुआयना किया तो पता चला कि उन्हें टाइफाइड है। टाइफाइड एक बुखार की किस्म है, ठीक है, उसमें बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो उन्होंने जल्दी से, उन्होंने कहा कि जल्दी से इनको दवा मंगवा के दीजिए, ताज़ा फल दीजिए और जाले साफ कीजिए, खिड़कियां दरवाजे खोल दीजिए। तो आपा सिद्दीका ने कहा कि ये सब काम हम कर लेंगे, ठीक है। और डॉक्टर ने साथ ये भी ताकीद की कि इनका बुखार का रिकॉर्ड जो है वो आप अपने पास रखें, टेम्परेचर का रिकॉर्ड आप ज़रूर रखें, यानी बार बार इनका बुखार चेक करते रहें और इनको ताज़ा फलों का जूस पिलाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो जो बच्चियां थी उन्होंने क्या किया कि तमाम काम बांट लिए आपस में, यानी बांटने से क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो काम बांट दिया जाए तो बड़े बड़ी आसानी से काम हो जाता है। उन्होंने भी आपस में काम बांट लिए। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं कि आगे उन्होंने क्या किया। अतिया जी, अच्छा आपा, आपा सिद्दीका के जाने के बाद तमाम लड़कियां मुख्तलिफ टोलियों में बट गई, यानी ग्रोह में बट गई, उन्होंने ग्रुप्स बना लिए आपस में और घर के मुख्तलिफ काम करने लगी। एक टोली ने बावर्ची खाने का काम संभाला, यानी एक ने कहा कि मैं बावर्ची खाने में खाना भी बनाऊंगी और बनाएंगे हम, और फिर हम बर्तन साफ करेंगे, हम वो तमाम काम हम करेंगे। दूसरी ने सफाई की जिम्मेदारी ले ली, यानी उसने कहा कि मैं घर की झाड़ फूंक करूंगी, हम सब घर की झाड़ फूंक यानी सफाई वगैरह कर लेंगे, जाले साफ करेंगे। तीसरी ने तमाम मैले कपड़े धोने के लिए जमा कर लिए, उन्होंने मशीन लगाने का प्रोग्राम बनाया। चौथी टोली की लड़कियों ने फैसला किया कि वो नानी अम्मा की तीमारदारी के फराइज अंजाम देगी, तीमारदारी यानी उनकी खिदमत करेंगी, उन्हें वक्त पे दवा देंगी, उन्हें जो चीज़ चाहिए होगी हम उन्हें उस वक्त देंगे। पाबंदी से दवा देना, खिलाना पिलाना, उठाना बिठाना, दिल जोई करना एक शख्स के बस की बात नहीं थी। पांचवी टोली ने बाजार से सोडा सल्फ मंगवाने की जिम्मेदारी ले ली, यानी उन्होंने कहा कि जो चीज़ घर में ख़त्म है हम वो बाजार से ले आते हैं। और यूँ चश्मे जदन में सारे काम सुलझ गए। चश्मे जदन कहते हैं देखते ही देखते, यानी उनके आंखों देखते अभी देखते ही देखते उनके सारे काम क्या हो गए, सुलझ गए, यानी सब काम हो गए, जैसे कभी उलझे ही ना थे। नादरा हैरान थी, वो आतिया इसकी हैरानी पर मुस्कुराई और उसे नानी अम्मा के पास बिठा दिया, यानी नादरा बड़ी हैरान हुई कि मतलब ये एकदम में इतना कुछ कैसे हो गया है, लेकिन उसे आराम करने के लिए उसकी नानी के पास बिठा दिया गया। अतिया, अब अतिया क्या कह रही हैं कि बस तुम नानी के पास बैठो, आपा सिद्दीका दवाएं लेकर आती होंगी, नानी अम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी।
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बावर्ची खाने से अमीना ने अतिया को बुलाया और वो उधर चली गई। अभी अमीना अतिया से बात अतिया अमीन नादरा से बात कर ही रही थी कि अमीना ने उसे किचन में बुला लिया। अमीना सरगोशी से, यानी उसने उसके कान में कहा, अमीना ने अतिया के कान में कहा सरगोशी करते हुए, यानी जैसे हम हल्की आवाज में बात करते हैं, बावर्ची खाने में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो आटा चावल और ना ही मिर्च मसाला और तेल घी, क्या पकाएं? यानी उनके बावर्ची खाने में कुछ भी नहीं था कि जो पकाया जाए। अतिया चुपके चुपके, यानी उसने भी बड़े खामोशी से उसे कहा कि ये सब आ जाएगा। मालूम होता है नानी अम्मा की बीमारी की वजह से सौदा सलब आया ही नहीं, भला लाता भी कौन? अफसोस हम भी कितने गाफिल और लापरवाह हैं, जाने नादरा कब से भूखी है। यानी उसने क्या कहा कि हमें नादरा की फिक्र ही नहीं, कि यानी नादरा बराबर स्कूल आती रही है और हमें ये बात पता ही नहीं थी कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो कितनी परेशान है। हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन किसी मुसीबत में तो नहीं। कुछ ही देर में आपा सिद्दीका दवाओं और फलों से भरी टोकरी लिए घर में दाखिल हुई। उन्होंने देखा कि बच्चियों ने पलक झपकते में सफाई करके कमरे का नक्शा बदला। वो बहुत खुश हुई, यानी अभी वो बाजार गई थी दवाएं और फल वगैरह लेने के लिए, और जब वो वापस आई तो घर साफ हो चुका था। वो बहुत खुश हुई है देखकर। उन्होंने थर्मामीटर नानी के मुंह में लगा दिया, थर्मामीटर से बुखार चेक किया जाता है। कुत्सिया ने आते ही बर्फ मंगवा ली थी, वो बराबर ठंडे पानी की पट्टियां नमा के सर पर रख रही थी। नानी अम्मा की हुनूदगी में फर्क आता देखकर नादरा की जान में जान आई, यानी वो उन पर बेहोशी की सी कैफियत थी और ऐसा ऐसा उन्हें होश आता जा रहा था। नानी अम्मा ने आंखें खोली तो नादरा जल्दी से नानी अम्मा के करीब आ बैठी। नादरा, अब नादरा नानी अम्मा से क्या जी नानी अम्मा, यानी जैसे ही नानी अम्मा ने अपनी आंखें खोली तो नादरा फौरन उनके पास जाके उन्होंने कहा कि जी नानी अम्मा, यानी आपको कुछ चाहिए? नानी, मैं ठीक हूँ, उन्होंने पूछा। अच्छा जी नादरा, जी हाँ, जी जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। आपा सिद्दीका ने नादरा को इशारा किया कि वो उन्हें ज्यादा कुछ ना बताए, यानी ये ना बताए कि मेरे स्कूल की टीचर जो है सानी है वो हमारे घर आई हैं और बच्चियां भी हमारे घर आई, और मेरी क्लास फेलोज जो थी वो भी हमारे घर आई और घर आके घर का सारा काम कर दिया। उन्होंने कहा अभी ज्यादा कुछ भी ना बताया जाए। नानी, तुमने खाना खाया? नानी अम्मा ने बड़ी मुश्किल से ये जुमला पूरा किया, क्योंकि वो बहुत बीमार थी तो बीमारी की वजह से उनसे बोला नहीं जा रहा था। अच्छा जी नादरा, नादरा ने क्या कहा? जी हाँ, मैंने खा लिया है, आप आराम कीजिए। रुकैया की टोली नानी की खिदमत पर मामूर थी। एक टोली यानी एक ग्रुप नानी की खिदमत पर मामूर था कि उन्हें वो मेडिसिन वगैरह देंगी, दवाइयाँ, दवा पिलाना, खाना पिलाना वगैरह ये सब काम करेंगे। उन्होंने जल्दी जल्दी दवा पिलाने का वक्त और तरीका आपा सिद्दीका से पूछ लिया था कि यानी किस वक्त कौन सी दवा देनी है। दवा का वक्त हो गया था इसलिए रुकैया ने नानी अम्मा को दवा पिला दी। नानी अम्मा को जरा फरहत महसूस हुई, यानी उन्हें थोड़ा आराम मिला तो वो सो गई। इस दौरान खाना पक चुका था, अतिया ने नादरा को खाना खिलाया। आपा सिद्दीका ने नादरा को कुछ देर आराम के लिए कहा। नानी अम्मा और नादरा को आराम पहुंचाकर आपा सिद्दीका और तमाम बच्चियां इतनी खुश थीं कि जैसे उन्हें कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, दिली सुकून मिलता है हमें किसी की भी मदद करके, तो उन्हें भी ऐसा लगा जैसे उनके हाथ बहुत बड़ा खजाना आ गया हो। आपा सिद्दीका, रात होने वाली है, सोचना ये है कि रात को यहाँ कौन कौन रहेगा। जाहिर है एकदम से तो नानी अम्मा ठीक नहीं हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पर रात रुकने की भी जरूरत है, तो कौन कौन यहाँ रहेगा? सायका ने क्या कहा? सायका ने कहा कि आपा, मेरा ख्याल है कि हर टोली की एक एक लड़की यहाँ रुक जाए, यानी हर ग्रुप में से एक एक लड़की, जो अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे तो उन्होंने कहा कि हर ग्रुप की एक एक लड़की यहाँ पर रुक जाए। आपा सिद्दीका, आपका ख्याल ठीक है, मगर आपके घरों से इजाजत मिलने का सवाल है, यानी आपके घरों से इजाजत मिल जाएगी? घरों से पेरेंट्स भी तो परमिशन देते हैं ना कि रात रुकनी है या नहीं रुकनी है। तो अतिया ने कहा कि मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया है, हम में से हर एक को यहाँ रुकने की इजाजत है। आपा सिद्दीका खुश होकर, यानी उन्होंने खुशी से कहा कि बहुत खूब, मैं इस वक्त तक यहाँ रहूंगी जब तक नादरा की नानी ठीक नहीं हो जाती। सायका ने कहा कि आपा, आपकी बराबरी कौन कर सकता है, यानी आप जैसा कौन कर सकता है? ये सब कुछ हमने आप ही की बदौलत तो सीखा है, यानी ये जो नादरा की हम मदद कर रहे हैं तो ये हम आप ही से सीख रहे हैं, और हम आप ही की बदौलत हमने इसकी मदद करना सीखा सब कुछ। तो डॉक्टर साहब बराबर नानी अम्मा को देखने आया करते थे, यानी
जाहिर है वो बीमार थी तो वो भी बराबर आ रहे थे उन्हें देखने के लिए, उनका चेकअप करने के लिए। वो आपा सिद्दीका के जज्बे खुलूस और बच्चियों की बेगर्ज खिदमत से इतने मुतासर हुए कि आपा सिद्दीका के इसरार के बावजूद उन्होंने फीस लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें पता था कि ये भी मदद कर रही हैं गरीब लोगों की, मतलब किसी की मुश्किल वक्त में किसी की मदद करना बहुत बड़ा बड़ी नेकी है। और जब उन्होंने देखा कि ये तो मदद कर रही हैं इनकी, तो उन्होंने भी उसके उनकी फीस लेने से इनकार कर दिया। उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तमाम बच्चियों ने मिलकर घर को शीशे की तरह चमका दिया, यानी घर बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, और नानी अम्मा को बाकायदगी से दवा और गिज़ा मिल रही थी, यानी टाइम पर उन्हें हर चीज़ मिल रही थी। नानी अम्मा की सेहत रोज बरोज संभलती जा रही थी, यानी वो ठीक होती जा रही थी। एक दिन वो इतनी खुश और हशाश बशाश थी कि बगैर सहारे के अपने पलंग से उठकर कुर्सी पर बैठ गई। इस पर तमाम बच्चियों ने खुशी से तालियां बजाई और नादरा मारे खुशी के आपा सिद्दीका से लिपटकर रोने लगी। यानी वो खुशी के आंसू थे जब उसने अपनी नानी अम्मा को बिल्कुल ठीक सेहतमंद देखा। आपा बोली, पगली इसमें रोने की क्या बात है, जाहिर है खुशी के आंसू थे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर हमने इस पूरे सबक में क्या सीखा है कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल में किस तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं। मुश्किल वक्त में हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, यानी अगर हमारे क्लास फेलो है और उसे किसी चीज की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें उसे एक छोटी सी पेंसिल की भी अगर जरूरत हो तो हमें जरूरत के वक्त उसे वो पेंसिल दे देनी चाहिए। इरेजर चाहिए होता है, शार्पनर चाहिए होता है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो हमें अपने फ्रेंड्स की मदद के लिए हमें उन्हें दे देनी चाहिए। ये नेकी है, और जब तक वो उसे इस्तेमाल करता रहेगा आपको उसकी उसका बद जो उसका बदला आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, एक तरह का सदका जारिया बन जाती है ये चीज। अच्छा बेटा, होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने खाली जगह पूर करें, ये काम आपने अपनी कॉपी में लिखना है। फकरात की वजाहत करनी है, यानी फिक्रे आप लोगों को इसी चैप्टर में से आपको जुमले कुछ दिए गए हैं, आपने उनकी वजाहत करनी है, यानी उनकी तशरीह करनी है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि 17 अगस्त से आप लोगों के माहाना इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, और अब तक आपने जितना काम किया है, ठीक है, इस चैप्टर को छोड़ के, चैप्टर हमदर्दी को छोड़ के, बल्कि इससे पहले आपने ग्रामर का, आपने नज़म का, और उसके अलावा हम का जो आपने काम किया है, और उससे पहले जो आपने इसार चैप्टर का काम किया है, वो सारा का सारा आपने अच्छे से याद करना है। 17 अगस्त से इंशाल्लाह हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, और हम इंशाल्लाह पेपर लेंगे आपसे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत से हर काम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।